Dear viewers, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों होता है और हम बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो सिंपली बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन को या लिपिड्स के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तीसरा सवाल, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों होता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और लास्ट सवाल हमारा जो है वो ये है कि बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो फैटी एसिड्स है इनका जनरल फार्मूला ये है, देखिए यहाँ पर ये एसिड्स है और यहाँ पर क्या है, आर ग्रुप है। तो अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें फैटी एसिड्स को, यहाँ पर देखिए ये फैटी एसिड है, ये हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के साथ देखिए ये फर्स्ट कार्बन जो होता है ये अल्फ़ा कार्बन होता है और यहाँ पर देखिए ये सेकंड कार्बन जो है ये बीटा कार्बन होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में ये क्या होता है, ये बीटा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है। देखिए ये बीटा और अल्फ़ा के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये थोड़े कंसेप्ट थे बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे अकर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो देखिए हमारी बॉडी में एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोस टिश्यूज़, और एडिपोस टिश्यूज़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट होते हैं और वो यूनिट किसको जनरेट करते हैं, लिपिड्स को। मतलब देखिए ये ट्राइग्लाइसराइड आपस में मिलकर लिपिड्स बनाते हैं और वो लिपिड्स हमारे एडिपोस टिश्यूज़ में होते हैं। तो सिंपली देखें यहाँ पर ये एडिपोस टिश्यू में जो यूनिट्स है ट्राइग्लाइसराइड्स, इनके साथ कौन रिएक्ट करता है, लाइपेस एंजाइम रिएक्ट करता है ट्राइग्लाइसराइड के साथ और इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड में। तो ये देखें ये फैटी एसिड्स जो है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, अब ये फैटी एसिड फ्री हो गए हैं और ये फ्रीली क्या होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। जब ब्लड स्ट्रीम में एंट्री देते हैं उसके बाद ये क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम से फिर ये हमारे सेल में एंट्री करते हैं। सेल में एंट्री करने के बाद फिर सेल से ये कहाँ पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद ये कहाँ पर जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। फिर क्रेब्स साइकिल में इनकी फर्दर क्या होती है, रिएक्शंस होते हैं और जिसके नतीजे में हमें क्या, एटीपीस मिलते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि इसका ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एडिपोस टिश्यूज़ है और एडिपोस टिश्यूज़ में क्या है, ये देखिए ये ट्राइग्लाइसराइड्स है। देखिए ट्राइग्लाइसराइड्स में क्या होता है, तीन फैटी एसिड्स के यूनिट्स होते हैं और एक ग्लाइसराइड्स होता है। जंपिंग के साथ देखिए लाइपेस एंजाइम रिएक्शन करेगा, देखिए ये लाइपेस एंजाइम ट्राइग्लाइसराइड्स को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होंगे, देखिए एक ग्लाइसिरोल और उसके साथ साथ फैटी एसिड्स में भी कन्वर्ट होंगे। तो ये हमें क्या देंगे, सिंपली देखिए यहाँ पर एक ग्लाइसिरोल दे दिया और तीन फैटी एसिड दे दी है। अभी ये फैटी एसिड्स जो है ना ये अभी क्या है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो ये कहाँ पर दाखिल होंगे, ये अभी हमारे साथ जाएंगे ये फैटी एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में। देखिए ये फैटी एसिड कहाँ पर जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे, उसके बाद ये पेशियो ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए से हमारे सेल के साइटोप्लाज्म तक जाएंगे। देखिए हमारे सेल के साइटोप्लाज्म तक चले गए, तो यहाँ पर देखिए ये पेशियो ट्रांसपोर्ट जो है ये एक स्पेसिफिक्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि पेशियो ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं।
अभी देखें ये फ्री फैटी एसिड्स हमारे साइटोप्लाज्म में तो दाखिल हो गए, लेकिन अभी ये फ्री फैटी एसिड जो है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं हो सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखें साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शन होंगे और उस रिएक्शन की वजह से ये देखिए ये फ्री फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ये एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्री फैटी एसिड्स कोएंजाइम ए और यहाँ पर एटीपी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है और इसके साथ साथ दो एटीपी क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं और ये ख़ुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी देखिए ये एसाइल कोएंजाइम ए में अभी ये एबिलिटी है कि ये क्या करेगा, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर स्पेस में आ जाएगा। देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये उसमें एंट्री कर जाएगा। अभी देखिए ये जो एसाइल कोएंजाइम में है जो हमारे साथ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में है, अभी ये क्या ये एंट्री नहीं दे सकता किस में, इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पर ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, देखिए ये मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में ये एंट्री नहीं कर सकता। जब एंट्री नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे एसाइल कोएंजाइम ए में, तो ये ख़ुद को कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरी मॉलिक्यूल में और फिर वो क्या करेगा एंट्री देगा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपली देखिए यहाँ पर एसाइल कोएंजाइम ए है, एसाइल कोएंजाइम ए तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कर्निटिन, जो कर्निटिन मॉलिक्यूल है ये एसाइल कोएंजाइम ए का जगह ले लेगा और कोएंजाइम ए को क्या करेगा बाहर निकालेगा। तो ये कोएंजाइम ए जो के कहाँ पर था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में था, अब ये बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगा और साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करेगा और फिर उधर से किसी दूसरी एसाइल को लेकर आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एसाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो गया, एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट हो गया और इस एसाइल की जगह किसने ले ली, कार्निटिन ने ले ली और देखिए यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसाइल कार्निटिन में। अब ये एसाइल कार्निटिन में ये एबिलिटी है कि ये किस में डिफ्यूज़ कर सकता है, किस में एंट्री ले सकता है, देखिए इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या होगा, ये सिंपली अभी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंट्री ले लेगा ये एसाइल कार्निटिन जो है। इसके बाद क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्तलिफ रिएक्शंस होंगे और रिएक्शंस वहाँ पर अकर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से एक रिएक्शन ये है कि वहाँ पर क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है। अभी जो एसाइल कार्निटिन है, देखिए ये एसाइल कार्निटिन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्या करे ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले, तो इसलिए ये क्या करेगा ख़ुद में चेंजेस लाएगा। तो इसमें चेंजेस किस तरह आएंगे, देखिए यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है, कोएंजाइम ए इसका एडिशन होगा, सिंपली एडिशन होगा और यहाँ पर क्या होगा कार्निटिन का रिमूवल होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि देखिए कोएंजाइम ए बाहर चला गया था और कार्निटिन जो है उसकी जगह अंदर आ गया था। अभी क्या होगा, कोएंजाइम ए जो है वो एंट्री देगा और क्या होगा यहाँ पर कार्निटिन बाहर निकलेगा। अभी देखिए ये कार्निटिन बाहर निकल गया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इनटू द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जाएगा और देखिए ये हमारे साथ ये एसाइल कोएंजाइम ए है ये हमारे साथ कहाँ किस जगह की तरह जाएगा, ये देखिए ये सीधा बिल्कुल जहाँ पर क्रेब्स साइकिल्स के रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पर ये क्या करेगा एंट्री देगा। तो देखिए ये एसाइल कोएंजाइम ए जो है अभी क्रेब्स साइकिल में एंट्री होगा, वहाँ पर क्या होंगे NADH और ATP वगैरह क्या होंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी और उनके प्रोडक्शन होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो सारे NAD और FAD क्या होंगे ATP जनरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ओवरव्यू था हमारे साथ किसका, बीटा ऑक्सीडेशन का जो ओवरव्यू था वो ये था। जल्दी से रिपीट करते हैं, देखिए एडिपोज टिश्यू से एडिपोज टिश्यू, ट्राइग्लाइसराइड, फैटी एसिड्स, फिर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सीड से सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रेब्स साइकिल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।